जय हिंद। आज मैं आपको इल्तुतमिश के विषय में बताऊंगी। इल्तुतमिश का टाइम 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा है। इल्तुतमिश की उपाधि क्या थी? इल्तुतमिश ने ऐसी उपाधि धारण की थी, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा और सुल्ताने आजम। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन कैसा था? इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। वह इलबारी जनजाति का तुर्क था। उसके पिता इलम खां जनजाति के सरदार थे, इसलिए उसका बचपन समृद्ध वातावरण में बीता। बाल्यकाल से ही इल्तुतमिश रूपवान और बहुत बुद्धिमान था। इस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे और उसके भाइयों ने धोखे से उसे एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। वह इल्तुतमिश बचपन से ही अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में उसे बुखारा लाया गया, जहां सद्रे जहां के एक संबंधी के हाथों बेच दिया गया। सद्रे जहां के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा के हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त कबा ने उसे खरीदा और गजनी ले आया। सुंदर व्यक्तित्व व मेधावी दृष्टि से उसने समस्त बाजार को आकर्षित कर लिया। यह सूचना सुल्तान मुइज़ुद्दीन गोरी को दी गई। गोरी ने इल्तुतमिश व एक अन्य दास तमगाज रूमी को खरीदने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगाई, किंतु जमालुद्दीन ने यह मूल्य अस्वीकार कर दिया। अतः गोरी ने उसके गजनी में क्रय विक्रय पर रोक लगा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने गुजरात अभियान से गजनी लौट रहा था तो एक वर्ष तक यहाँ प्रवास किया, रुका था यहाँ पर। इसी दौरान वह इल्तुतमिश के सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तथा गोरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। क्योंकि गजनी में उसके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध था, इसलिए गोरी उसे दिल्ली ले आने का निर्देश दिया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश व तमगाज रूमी को 1,00,000 जीतल में खरीदा गया। जीतल उस समय की मुद्रा थी। ऐबक ने आरंभ से ही इल्तुतमिश को सरे जहांदार अर्थात अंग रक्षकों का प्रधान नियुक्त कर दिया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक के बाद एक पद पर उन्नति करते हुए वह अमीरे शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर विजय के पश्चात उसे वहां का अमीर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात उसे बरन अर्थात बुलंदशहर का इकता प्रदान किया गया। अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इकता सौंप दिया गया। रेवर्टो के अनुसार दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी।
प्रतिभा को देखते हुए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखरों के दमन के लिए मोइदुद्दीन गोरी जब गजनी से कूच किया तो उसने अपनी सहायता के लिए दिल्ली से सेना मंगवाई। ऐबक एक सेना के साथ गोरी की सहायता के लिए कूच किया जिसमें इल्तुतमिश भी सम्मिलित था। उसने बड़े उत्साह व साहस से खोखरों के दमन में सहायता की। खोखरों को झेलम नदी में ढकेल कर बीच धारा तक पीछा करता हुआ उनका संहार किया। गोरी इल्तुतमिश के इस साहस व कौशल से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने ऐबक को उसके साथ भला व्यवहार करने की सलाह दी तथा उसे दासता से मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सेवाओं के उपलक्ष में मोहम्मद गोरी के आदेश से इल्तुतमिश को दासता से मुक्ति मिल गई। साथ ही उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश ऐबक का दामाद तथा बदायूं का इक्तादार था। अब इल्तुतमिश का सिंहासनारोहण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। 8 माह के भीतर ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। आराम शाह को जुद के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बन गया। ऐबक के संरक्षकों के नायकों ने इल्तुतमिश का विरोध किया। काजी वजीह उद्दीन के नेतृत्व में कुछ विधि ज्ञाताओं ने इल्तुतमिश का इस आधार पर विरोध किया कि वह एक स्वतंत्र मनुष्य नहीं है। उन्होंने अपनी दलील तभी वापस ली जब इल्तुतमिश ने उन्हें अपना मुक्ति पत्र दिखाया। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलबारी तुर्क शासक तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। 1229 ईस्वी में खलीफा से उसने प्राप्त किया था। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र जिसे खिलत कहते हैं प्रदान किया था। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्ताने आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया। इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलत प्राप्त करने के बाद उसका उल्लेख मिन्हाजुस्सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी से प्राप्त होता है। मिन्हाजुस्सिराज तत्कालीन
इतिहासकार था, जिसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। इस कार्य ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को दृढ़ कर दिया और भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप पुष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश शमशी वंश का था, इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया, परंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से इन समस्याओं का अंत कर सल्तनत को दृढ़ता तथा शक्ति प्रदान की। अनेक इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी। अब इल्तुतमिश क्या समस्याएं थीं? सुल्तान बनते ही उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं थीं और कैसे उसने उसका दमन किया? शासक बनने के बाद इल्तुतमिश को अनेक प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश के तीन प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे, गजनी के एल्दौज, सिंध के कुबाचा तथा बंगाल के अली मर्दान ने उसके लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी। आराम शाह की अयोग्यता का लाभ उठाकर कुबाचा ने भटिंडा, कुम्रहार व सरस्वती तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। बंगाल और बिहार दिल्ली से अलग हो गए थे। लखनौती में अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया था, कर मींस टैक्स। जालौर और रणथंबौर स्वतंत्र हो गए थे। अजमेर, ग्वालियर व दोआब ने भी तुर्कों का आधिपत्य अस्वीकार कर दिया था। सामंतों का एक प्रभावशाली वर्ग इल्तुतमिश की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था। इनमें कुतुबी और मुइज्जी सामंत प्रमुख थे। ये कुलीन सामंत थे जो इल्तुतमिश को दास का दास होने के नाते सुल्तान के योग्य नहीं मानते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समय में उपस्थित हुआ। ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थीं। इस प्रकार नव स्थापित तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था, परंतु इल्तुतमिश ने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया तथा अंत में सफलता प्राप्त की। आज यहीं तक। अब इसके आगे मैं आपको फिर बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।